तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। हमें तकरीबन एक महीने से ऊपर हो चुका है जी हमारी रीज्वाइनिंग नहीं हुई है। दुबई टैक्सी में बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की है, बहुत सिफारिश वगैरह करवाने की कोशिश की, मगर सिफारिश तो यहाँ पर चलती नहीं है, आपको पता है मेरिट पर काम होता है। खैर हमने कोशिश की है अपनी रीज्वाइनिंग की, रीज्वाइनिंग नहीं हो सकी है गाइस। तो खैर हमने कल रिज़ाइन दे दिया था कंपनी में, पासपोर्ट के लिए हमने रिज़ाइन दे दिया था कि वीज़ा कैंसिल कर दें हमारा, हम फिर लीव कर देते हैं दुबई टैक्सी को। तो काफ़ी दिन हो गए, टाइम वेस्ट हो रहा था, तो जिसकी वजह से इन लोगों ने कहा था कि आप पासपोर्ट ले सकते हैं। अभी हम पासपोर्ट लेने जा रहे हैं और जाके हम सबसे पहले चेक करवाएंगे पासपोर्ट में कोई बैन वगैरह तो नहीं लगाया, कोई रिजेक्शन तो नहीं लगाई, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाई हमारे पे। तो खैर अभी हम जा रहे हैं पासपोर्ट लेने के लिए और आपको बताते हैं मज़ीद डिटेल से आज की ट्रेन में। जी गाइज आप देख सकते हैं हम जो है कंपनी के मेन ऑफिस के पास आ चुके हैं, ये सामने बिल्कुल हमें जाना है और जाके अपना पासपोर्ट रिसीव करना है, क्योंकि सिर्फ पासपोर्ट का काम ही रह गया था हमारा। सब कुछ कल कम्प्लीट कर लिया था तकरीबन, जो गारंटी देनी होती है, जो भी मामला थे हमारे सब कंप्लीट हो गए थे, बस अब पासपोर्ट लेना है इंशाल्लाह लेके, फिर आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों ये पीछे कंपनी है जिसको हमने 7 साल बाद छोड़ दिया है, आज हमने लीव कर दिया दुबई टैक्सी को। ये दुबई टैक्सी आप देख रहे हैं बैक साइड पर, अभी हमें पासपोर्ट मिल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, कोई रिकॉर्ड में हर चीज़ ठीक थी हमारी, वैसे भी काम करते रहे हैं, तो जिसकी वजह से अभी मुझे पासपोर्ट मिल गया और मेरा पासपोर्ट क्लियर है। ये देख रहे हैं आप, हर चीज़ क्लियर कर दी इन लोगों ने और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ें पाक हो गई हैं। दुबई टैक्सी से जान छुड़ गई, समझ लें कि एक जॉब गई तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। अभी हमारे पास तकरीबन 20 to 25 days या 30 days का टाइम होता है जिसमें हमें अपने जो जॉब के लिए कोई फाइंडिंग करनी होती है या वीज़ा अपना एक्टिव करना होता है वीज़े को, या आपको लीव करना होता है कंट्री को, तो वो उसके लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपकी नज़र में कोई जॉब हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, वैसे बताता कोई भी नहीं, अगर हो तो बताइएगा लाजमी, काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं। तो गाइस बड़ी खुशी हुई है जी मुझे, और मुझे उन्होंने कहा जी आपकी ग्रेजुएटी है, आपको जो आपने सर्विस की है उसके पैसे भी आपको मिलेंगे ग्रेजुएटी के। तो वो ग्रेजुएटी के मेरे तकरीबन मैंने हिसाब लगाया था तकरीबन 6 या 7 हज़ार रुपये बनता है, तो वो मुझे मिलेगा इंशाल्लाह, और वो भी 2 महीने बाद मिलता है, मतलब आए 1 महीने तो ये सैलरी रिज़ाइन किया तो ये सैलरी आएगी और नेक्स्ट सैलरी जब आएगी उसमें हमें पैसे मिलेंगे। बाकी गाइस लीव हो गई दुबई टैक्सी की और हमने इनको छोड़ दिया, इन लोगों ने हमें छोड़ दिया, अलविदा की साइन कर दिया आज हमने फाइनल। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाद में देते हैं।